नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और झारखंड अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। हाईकोर्ट ने आज जजमेंट दे दिया छठी जेपीएससी को लेकर के। 34,000 से ज्यादा स्टूडेंट का भविष्य भी अब अधर में लटक गया है। सिर्फ 6,103 स्टूडेंट की कॉपी की जांच होने के बाद उनका रिजल्ट निकाला जाएगा। हाईकोर्ट ने पूर्व में ही यह संकेत दे दिया था और फैसला रिजर्व रखा था। रिजर्व का ही मतलब हो रहा था कि कोई विशेष टिप्पणी किया जाएगा। सरकार के आदेश के बाद जिस प्रकार से जेपीएससी ने रिजल्ट निकाला था, अब ये तय हो गया कि ये जो रिजल्ट था ये गलत किया गया, यानी कि रिजल्ट गलत निकला था। जाहिर सी चीज है कि इसके बाद स्टूडेंट्स को भारी निराशा हुई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मामला यहाँ से आगे निकल करके सुप्रीम कोर्ट जाएगा या फिर क्या होगा, ये बोलना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जो 34,000 स्टूडेंट का जो तीसरा बार रिजल्ट निकाला गया था, वो रिजल्ट कंप्लीट रूप से रोक दिया गया। और ऐसे में सवाल ये सामने आ रहा है कि क्या झारखंड में युवा यूं ही बेबस और लाचार रहेंगे? क्योंकि हर बार ये होता है कि चलिए झारखंड में एग्जाम होता है, रिजल्ट के लिए माननीय उच्च न्यायालय में चला जाता है और वहाँ से एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, जो बार बार डिले हो रहा था। कॉपी चेकिंग को लेकर के भी कई प्रकार की दिक्कतें थी। आज जेपीएससी की ओर से कहा गया कि वो दूसरे राज्य के अनुसार से ऐसा किया है, लेकिन अपने सबूत को पूर्ण रूप में नहीं रख पाया था पहले भी। और आज फैसला रिजर्व था, इसलिए फैसला तकरीबन 11:30 बजे ही आ गया और इसमें साफ तौर पर कह दिया गया कि ये कंप्लीट रूप से गलत डिसीजन है और इतना बड़ी संख्या में पीटी पास करवाना सही नहीं है। पंकज पांडे का ये केस चल रहा था, इस केस में चुनौती दी गई थी कि जेपीएससी में एक रिजल्ट तो ठीक होता है, दूसरी रिजल्ट, तीसरी रिजल्ट, अब 6,103 लोगों की कॉपी चेकिंग के आधार पर ही रिजल्ट निकालना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। चूंकि इंटरव्यू का कैलेंडर आ गया है, नवंबर महीने में इंटरव्यू होगी, सभी के दिमाग में ये चीज़ चल रहा था कि कुछ ना कुछ आज होने वाला है। कल देर शाम को सारे यूट्यूब चैनल्स ने इसको दिखाया था कि आज फाइनल जजमेंट आएगा और यही हुआ। आज जजमेंट में ये चीज़ को लिखा गया, अखबारों में भी था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है और इसमें जो फैसला हुआ खास करके स्टूडेंट के हित में नहीं माना जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स एग्जाम लिखे थे, जल्दीबाजी में आनंद फानंद में तैयारी किए थे, कुछ लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था और ये एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि क्या आने वाला समय भी ऐसे ही बीतेगा स्टूडेंट का। क्योंकि एग्जाम जब हुआ था तो रिजल्ट तो आना ही चाहिए था, लेकिन रिजल्ट नहीं आया और आज फैसला सुनाया गया है। इस फैसले के आलोक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कॉपी है फैसले की, उसकी एक कॉपी हमारे पास भी पहुँची है, हमारे मोबाइल पर फिलहाल ये कॉपी है और हम आपको बता दें कि इसमें है कि छठी जेपीएससी परीक्षा पर जो रोक लगा है, जस्टिस जो है कार्यवाहक चीफ जस्टिस एससी मिश्रा और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने फैसला सुनाया, जिसमें साफ तौर पर कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में 6,103 लोग जो सफल हुए हैं उनकी ही रिजल्ट को देखा जाएगा। जेपीएससी के मेंस परीक्षा के परिणाम पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट अपना अहम फैसला आज सुना दिया और प्रारंभिक परीक्षा में संशोधन जो किया गया था, पहले 2-3 संशोधन हुआ था, 3 संशोधन में 34,000 अभ्यर्थी सफल हो गए थे। हजारों का भविष्य अब लटक गया है, उनका क्या होगा बोलना मुश्किल है। छठी जेपीएससी रिजल्ट का साफ हो चुका है, छठी जेपीएससी का रिजल्ट का रास्ता साफ हो गया है कि मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, इंटरव्यू शुरू हो जाएगी, लेकिन क्या मामला अब इसके ऊपर बेंच में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। जो 34,000 बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चे हो सकते हैं कि इस मामले को चुनौती दे दें सुप्रीम कोर्ट में कि उनकी क्या गलती है, वो एग्जाम लिखे, उनका पैसा खर्च हुआ, मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं, इतने दिनों से वो परेशान है, उनकी इसमें कहाँ पर गलती नजर आती। इसलिए हम आपको बता दें कि इस समय में एक खबर है कि 2017 में पहला रिजल्ट आया था और उसमें करीब 5,000 स्टूडेंट पीटी पास हुए थे उस समय में। इसके बाद हाईकोर्ट का आदेश आया था और उसमें सुधार किया गया था रिजल्ट में और इसके बाद कुछ और लोगों को जोड़ा गया था, 6,103 लोगों की रिजल्ट हो गई थी, लेकिन 17 सितंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद यही फैसला को सुरक्षित रखा गया था। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एससी मिश्रा और दीपक रोशन ने आज ये फैसला सुना दिया। इसमें कहा कि प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम और शर्त में बदलाव करना कहीं से भी सही नहीं है और ये कहीं ना कहीं 100% गलत है, क्योंकि एक बार जब आप शुरुआत कर देते हैं किसी चीज़ की तो इसको बीच में रोकना गलत है। ये अदालत ने आज माना और ये कहा कि न्यूनतम अंक की अर्हता में
आखिर बदलाव क्यों किया गया, इसमें मेरिटोरियस का मतलब क्या रह जाएगा, ये हाईकोर्ट का जो सवाल था इसका उत्तर नहीं दे पाया था जेपीएससी और सरकार से जुड़े हुए लोग। अंक बदलने के कारण परीक्षा का परिणाम चूंकि बदल गया था, संशोधित परिणाम आया था, कई लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे थे, लोगों को लगा था कि जेपीएससी में अधिकारी बन जाएंगे, तो ये सब कुछ पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग छट गए हैं, इसमें परीक्षा लिखने के बाद भी छट गए हैं। इस वक्त हम स्वयं रांची में मौजूद हैं, रांची से ही ये आपको प्रसारण किया जा रहा है। और ये बता दें कि सरकार ने इस तरह की अधिसूचना जारी की थी, इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सही ठहराया है कि नियम इसको जो कहना था कि हित को ध्यान में रखते हुए क्या प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियम और शर्त में बदलाव किया जा सकता है, ये एक सवाल होगा। और ये आपको बता दें कि इस ये जो आप हमारे पीछे का दृश्य देख रहे हैं, ये रांची से ही सटा हुआ नामकुम का दृश्य, थोड़ा सा आप दिखाइए इनको जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, ये रांची ही है। और हमारे पीछे दो यूनिवर्सिटीज की भी तस्वीर आप देखेंगे, ये दो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यहाँ की है और इसकी तस्वीर है थोड़ी सी, और आप आगे आकर के अगर यूनिवर्सिटी दिखा पाए तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जो तस्वीरें हैं रांची से हम ये प्रसारण कर रहे हैं आज, जिसमें आपको बता रहे हैं कि हमारे पीछे की ये दो तीन प्राइवेट यूनिवर्सिटी नामकुम के पास है, काफी रूरल एरिया है, ये ग्रामीण क्षेत्र है, और यहाँ की हम तस्वीर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो रांची वाले व्यूअर होंगे वो संभवतः ये जान जाएंगे, ये राजा उलातू गांव के नाम से ये इलाका जाना